कई बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले 1 लाख के इनामी नक्सली ने पुलिस अधीक्षक दीपक झा के समक्ष समर्पण कर दिया। इस नक्सली का नाम सहदेव बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत लगातार नक्सली लाल आतंक का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में प्रवेश कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक झा के समक्ष 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने समर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाला नक्सली सहदेव कई बड़ी घटनाओं में शामिल था। नक्सली ने बताया कि उसके साथी को नक्सली मार चुके हैं और वह नक्सलियों की खोखली विचारधारा समझ चुका है, इसीलिए 10 नक्सलियों के साथ सक्रिय रहने के बाद उसने समर्पण किया। समर्पण करने आए नक्सली को सरकार की तरफ से दी जाने वाली 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। हाँ, आज बस्तर पुलिस के समक्ष सहदेव पिता भीमा, जो कि निवासी है चिकपाल जंगल पारा का थाना कटिकल्याण क्षेत्र का, उसने आज हमारे समक्ष समर्पण किया है, आत्मसमर्पण किया है। और ये पिछले 9 सालों से 2012 से नक्सली संगठन में जुड़ा हुआ था। ये कटिकल्याण एरिया कमेटी के अंतर्गत CNM अध्यक्ष क्षेत्र नाट्य मंडली अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा था और इसने लगभग अभी तक जानकारी के हिसाब से लगभग 14 अपराधों में शामिल रहा है, जिसमें से 10 अपराध थाना कटिकल्याण क्षेत्र में है और 4 अपराध थाना दरभाग के पखनार में है, जिसमें हत्या, लूट, ID विस्फोट और भी कई आगजनी और कई जघन्य अपराध इसमें शामिल हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।